तो बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तेजस्वी यादव आपको बता दें कि 114 सीटों पर, और एक बार बड़ी उलटफेर भी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव आपको बता दें कि पहली बार पिछड़ते नजर भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान 6 सीटों पर नजर आ रहे हैं। हमने आपको पहले से ही कहा रहा था, हमारे गठबंधन जब हमने एग्जिट पोल निकाले थे तब यही कहा था कि कांटे का मुकाबला रहेगा, गजब का। ईवीएम अब खुलने शुरू हो चुके हैं, पोस्टल बैलेट के जो नतीजे थे वो आपको बता देंगे, अब गायब यानी कि जो पूरे हो चुके हैं, अब ईवीएम खुलना शुरू हो चुके हैं। चिराग पासवान 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव अभी कुल मिलाकर आपको बता दें 114-115 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार इस चुनाव के अंदर 119 सीटों पर आगे, यानी कि नीतीश कुमार पहली बार आगे हुए इस चुनाव के अंदर। चिराग पासवान 2 सीटों पर आगे, तेजस्वी यादव अब तक बढ़त बनाए हुए थे लेकिन तेजस्वी यादव को पहली बार पीछे छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। क्या उलटफेर होगा नतीजों में, देखना दिलचस्प। 2015 के अंदर आपको बता दें एग्जिट पोल से उलट आए थे नतीजे बहुजन समाज।